हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज की डेट के अंदर सबको वीडियोस बनानी है, सबको रील्स बनानी है। और इसके अंदर मेन जो है आपका कंटेंट वो है आपका वॉइस का। वॉइस आपको क्लियर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपका जो भी आप वीडियोस बनाते हैं या आप जो भी आप उसके अंदर अपनी मेहनत लगाते हैं उस वीडियो को बनाने में, वो सारी बेकार हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर आपकी वॉइस सही नहीं है, आपकी आवाज़ अगर आपके व्यूवर्स तक सही से नहीं पहुंचती, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि आप जो है वो समझ ही नहीं पाता आप चाहते क्या बोलना। तो वो बहुत एक परेशानी का है। तो इसके लिए लोग हमारे पास शॉप पे आते हैं और कहते हैं आप बजट के अंदर ऐसा माइक बताइए जिसके अंदर आपको जो है कोई अपना जो है वॉइस के अंदर क्लियरिटी पूरी हो। अगर वो अपना किसी अपने रूम में कर रहे हैं तो उसमें इको की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैंने ये माइक को टेस्ट किया है और आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूँ। ये है हॉली लैंड का लार्क 1। जो ये माइक है मैंने इसका अपना जो है खुद पर्सनली इसको टेस्ट किया है। अभी आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसको आउटडोर में भी टेस्ट किया और इसकी वॉइस आपको मैंने वहाँ पे काफ़ी दूर तक जाके इसको टेस्ट करके है और आपके लिए इसको साउंड को रिकॉर्ड किया, जिससे आप लोगों को पता लग सके कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। जिन लोगों को जैसे आजकल इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर पढ़ाने के लिए चाहिए, तो उसके अंदर भी ये माइक काफ़ी सक्सेसफुल है। और अगर किसी लोगों को प्रैंक वीडियोस बनानी है या फिर कोई छोटा शॉर्ट क्रिएट कंटेंट बनाना है, तो उसके अंदर भी ये माइक बहुत सक्सेसफुल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है। और इसकी पर्सनली मुझे वॉइस काफ़ी अच्छी लगी और जो बैकग्राउंड नॉइज़ थी वो काफ़ी कम ले रहा था ये आउटडोर के अंदर। मैं अभी आगे चल के आपको इसको वीडियो के अंदर सुनाऊंगा, जब आप आउटडोर हम जाएंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि अपना जो है जो वॉइस आसपास की थी काफ़ी कम ली और अपना क्लियर था काफ़ी जो हम बोल रहे थे और काफ़ी दूर तक गए, तो उसमें भी उसने वॉइस कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुई। उल्टे भी चल के देखा कि कितना ये वॉइस को ले रहा है बैक उसके अंदर अपना, तो कहीं पर भी इसके अंदर वॉइस के अंदर रिट्रैक्शन नहीं आई और खूब अच्छे से इसने रिस्पॉन्स किया। तो थोड़ा सा आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाता हूँ और आपको इसकी प्राइसिंग भी बताऊंगा लास्ट के अंदर कितने रुपए का ये आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, और हमारे पास अगर आप आते हैं तो क्या रेट पे मिल जाएगा, तो वो भी बताता हूँ। और इसको अपन अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान कंपनी दे रही है हमारे को। ये इस तरह सा कुछ पाउच देती है कंपनी हमारे को, बहुत ही बढ़िया सा कॉम्पैक्ट सा पाउच है और इस तरह से ये आता है। एक ये माइक का पूरा स्टीरियो सिस्टम जैसा एक केस है जिसके अंदर आपके जैसे ईयर पॉड होते थे वैसे ही इसमें आपका है। पूरा चार्जिंग का हब ही दे रखा है कंपनी ने और साथ के अंदर इसमें केबल्स हैं। एक केबल है आपकी जो आपको कैमरे से कनेक्ट कर सकते हैं आप, और साथ में एक केबल है जो आपकी मोबाइल्स के लिए वर्क करेगी और एक चार्जिंग केबल हो गई इसमें। साथ में अंदर कुछ इस तरह से आता है पैकिंग में। ये है हमारा हॉलीलैंड का लार्क M1। ये बहुत ही प्यारा सा कॉम्पैक्ट सा मॉडल बनाया है कंपनी ने और इसका सेकंड पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया कॉम्पैक्ट मॉडल कंपनी ने बनाया है। 1 ईयर वारंटी के साथ में आपको ये मिल जाएगा हमारे पास। और इसके अंदर आपको अगर इनके रिपेयरिंग नहीं हो पाता तो हम आपको इसके बदले में दूसरा पीस देते हैं। कंपनी आपको रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में इसको प्रोवाइड करती है और इसके अंदर साथ के अंदर हमारे को एक साथ दो आदमी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही। एक आदमी के दो आदमी एक साथ दो इंटरव्यू शूट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, प्रैंक वीडियोस बनानी है तो वो भी कर सकते हैं। सारे काम आपके इसमें बन जाएंगे और काफ़ी कन्वीनियंट रेंज में कंपनी ने निकाला है। महंगा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इन द सेंस महंगा तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपना ना हो, बजट फ्रेंडली ही है। ये राउंड अबाउट आपको 12,000 का मार्केट में मिल जाएगा। और इसके अंदर अगर कोई हमसे आता है हमारे से इस यूट्यूब की वीडियो से हॉलीलैंड का प्रोडक्ट लेने, तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर दिया जाएगा। और आगे चल के अभी आपको हम दिखाते हैं इसका आउटडोर के अंदर कैसा रिस्पॉन्स था। सो थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू हॉलीलैंड के माइक का लार्क 1 का, जो कि अपना जो है इस टाइम पे एक ऐसा माइक है जो लोगों की डिमांड के अंदर है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा था। तो हमने कहा चलो क्यों ना इसको एक बार टेस्ट करा जाए कि कितनी दूर तक ये काम करता है और कितनी क्लियर वॉइस देता है। तो ऐसा ही आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एकदम ओपन एरिया में हूँ और अभी इसका देखते हैं कितने लॉन्ग डिस्टेंस तक ये काम करता है, तो उसको चेक करते हैं। तो स्टेप्स गिनते हैं और इसको आपको बताता हूँ, रिवॉल्व भी होके चलूंगा कि ये कितनी दूर तक काम करता है और कितनी दूर में जाके डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स चेक करते हैं ये।
अभी आप देख जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको अगर लगे कि वॉइस कट हो रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही रिव्यू कर रहे हैं इसका, तो राउंड अबाउट मैं अभी 15-20 स्टेप्स अपना जो है आगे आ चुका हूँ। तो अब पता नहीं कि उसमें वॉइस आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं कंटिन्यूसली स्पीक कर रहा हूँ और इसके अंदर कट आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी नहीं पता। काफ़ी दूर तक मैं चल के आ गया हूँ इस टाइम पे, और अब वापस जा रहा हूँ तो पता लगेगा कि इसके अंदर कितना, इसके अंदर डिस्टेंस हमने कवर किया और कैसी वॉइस हमारे को लगी, और आप लोग को जो है गाइड हो जाएगा कि अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सारे जो क्रिएटर्स आते हैं मेरे पास शॉप पे, वो इनका कहने का मतलब यही होता है कि भाई ये कितनी दूर तक काम करेगा। जैसे किसी को प्रैंक वीडियो शूट करना है तो काफ़ी डिस्टेंस से करते हैं, या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि उसको क्रिएट करना है और वो उसको ये फील होता है कि भाई मेरे को डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए और सस्ते बजट में चाहिए, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। तो जो हॉलीलैंड का ये प्रोडक्ट है ये 1 ईयर वारंटी के साथ में आ रहा है और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में, तो हमने कहा पहले इसी की टेस्टिंग करी जाए, तो वही हमने करी। राउंड अबाउट मैं ये 20 फीट तक आगे गया था, तो अभी जाके इसको अपना एडिटिंग रूम में चेक करेंगे कितनी दूर तक इसने काम किया और कैसे किया, तो फिर आपको आगे चल के बताते हैं कैसा इसका रिजल्ट है। तो थैंक यू गाइस।